हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, लेसन नंबर 12, कैन वी शेयर। अब ये जो चैप्टर है, चैप्टर की हेडिंग क्या है, कैन वी शेयर। तो क्या कर रहे हैं हम, अपनी कोई चीज़ जब भी शेयर करते हैं, इट मीन्स क्या कर रहे हैं, अपनी चीज़ डिवाइड कर रहे हैं टू पार्ट्स और मोर देन टू पार्ट्स। तो शेयर में क्या करते हैं, हमेशा हम डिवाइड करते हैं चीज़ों को। सो फर्स्ट वी विल लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजन। डिविजन होता क्या है वो कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पे जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, रिपीटेड एडिशन। अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा। वैसे ही डिवीजन में क्या होता है, रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी को देंगे कोई पार्ट, तो ही चीज़ डिवाइड होगी। तो इसलिए क्या होता है डिवीजन में, डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में रिपीट एडिशन होता है और डिवीजन में रिपीटेडली सब्ट्रैक्शन होता है। सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे ये बॉय है और इस बॉय के हैंड में 12 बलून्स है, ओके। और ये जो 12 बलून्स है उसको उसको थ्री में डिवाइड करना है, थ्री ग्रुप्स में। सो वो कैसे करेंगे डिवीजन के अंदर, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो डिवाइड देम इनटू ग्रुप ऑफ थ्री, थ्री थ्री ग्रुप में क्या करना है उसको डिवाइड। सो वॉट वी विल ही डू, ये क्या करेगा, ये जो 12 बलून्स है उसको सबसे पहले थ्री ग्रुप में डिवाइड करना है। तो 12 बलून में से थ्री बलून्स को एक ग्रुप बनाएगा। सो ये थ्री बलून का ग्रुप है 1 2 एंड 3। सो इसने क्या किया, 12 माइनस 3। डिवीजन में क्या होता है, रिपीटेड सप्रैक्शन। सो 12 माइनस 3 किया, 12 में से थ्री बलून्स ने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, ग्रुप बना दिया है। नाउ कितने बलून्स लेफ्ट है उसके पास, 9। अब अगेन वो क्या करेगा, अगेन वो थ्री बलून्स लगाएगा और फिर क्या हो जाएगा इधर, ये देखिए वापस थ्री बलून्स उसने क्या किए, ग्रुप बनाया है थ्री का, 1 2 3। नाउ अब वापस उसके पास कितने थे, 9, उसमें से उसने थ्री का ग्रुप बना दिया। सो हाउ मैनी बलून्स आर लेफ्ट, 6 बलून्स। अगेन वो क्या करेगा, उसका वापस थ्री ग्रुप बनाएगा दिस, ये देखिए 1 2 एंड 3। एंड क्या किया, जो 6 लेफ्ट थे उसमें से क्या कर दिया, 3 बलून्स को माइनस के लिए 3 का ग्रुप बना दिया है। सो कितने लेफ्ट हुए, 3। अगेन क्या है, उसने वापस 3 का ग्रुप बना दिया, तो 3 बचे थे और 3 का ग्रुप बना दिया। सो योर आंसर इज 0। इट मीन्स यहाँ पे कितने ग्रुप बने हैं, 3 3 के 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप्स, 4। किसमें डिवाइड कर दिया हमने, 4 ग्रुप्स बनाए और हर एक ग्रुप में कितने बलून्स है, 3 3 बलून्स। सो इधर क्या बताया है इसके अंदर कॉन्सेप्ट में, कि डिवीजन में क्या होता है, रिपीटेडली सप्रेक्शन। 12 माइनस 3, 9 माइनस 3, 6 माइनस 3, 3 माइनस 3। सो लेफ्ट इज 0। प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सप्रेक्शन इज कॉल्ड डिवीजन। जब हम एक ही नंबर को रिपीटेडली सप्रेशन कर दे एक पर्टिकुलर नंबर से, तो उसको क्या बोलते हैं, डिवीजन। अब उसको लिखते कैसे है डिवाइड के फॉर्म में, सो 12 कितने बलून से टोटल, 12 डिवाइड के साइन क्या है, ये किसके साइन है, डिवाइड की। जैसे मल्टीप्लीकेशन में आपने क्रॉस किया है, प्लस में आपने ये साइन किए, माइनस में ओनली फॉर दिस हॉरिजॉन्टल, वैसे ही डिवाइड में क्या है, जो बीच में जो साइन दिख रही है वो क्या है, डिवाइड के साइन है। सो टोटल बलून्स कितने थे, 12, उसको डिवाइड किया है 3 में, इसलिए कितने में हमको डिवाइड करना है उसको, 3 3 में डिवाइड करना है। सो 12 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू आंसर इज 4। कितने ग्रुप्स बने थे वहाँ पे, 4। सो वी हैव टू राइट दिस, 12 divided by 3 is equal to 4. ओके, दिस इज द साइन ऑफ डिवाइड। नाउ अब ये आपको कॉन्सेप्ट सीखना है यहाँ पे, कि डिवाइड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सो जो 12 नंबर है वो कैसा है, बड़ा नंबर है, सो वो क्या आएगा, अंदर, एंड 3 विल बी रिटन आउटसाइड। अब कितना 3 को किससे डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करना है उसको। सो 3 के टेबल में 4 कब आई, 12 कब आता है, 4 टाइम्स, 4 ग्रुप्स बने थे। सो 3 4 जा 12, दैट इज 0।
ये कॉन्सेप्ट अभी हम सीखेंगे बहुत लेंदी, हर एक डिजिट में। सिर्फ आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया है कि लिखते कैसे हैं। सो बड़ा नंबर क्या आता है, अंदर आता है, और छोटा नंबर बाहर आता है, और उसको कितने ग्रुप्स, कितने टाइम्स ग्रुप बने वो हम क्या लिखते हैं, ऊपर। और जो नीचे बच जाता है वो क्या है, जीरो। अब इनको जितने भी हमने नंबर्स लिखे वो प्लेस को बोलते क्या है। सो फर्स्ट वन इज डिविडेंड, जो नंबर 12 है वो आपका क्या है, डिविडेंड, द नंबर टू बी डिवाइडेड। जो नंबर डिवाइड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। नेक्स्ट इज डिवाइजर, जो नंबर 3 है वो क्या बोलते हैं, डिविजर। उसका मतलब क्या होता है, दैट नंबर दैट डिवाइड्स, जो डिविडेंड को डिवाइड कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिविजर। सो नंबर 3 इज डिविजर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन, क्वेश्चन का क्या है, द आंसर वी गेट ऑन डिवाइडिंग द नंबर। जब हम डिवाइड करते हैं नंबर को और जो आंसर मिलता है ऑन द टॉप ऑफ द डिविडेंड, विच इज नोन एज क्वेश्चन। एंड द लास्ट वन इज जीरो, द नंबर आफ्टर रिमेनिंग आफ्टर डिवाइडिंग, जो नंबर डिवाइड करने के बाद में जो लास्ट में जो रिमेनिंग है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। जैसे रिमाइंडर यहाँ पे कितना है, जीरो। सो डिविडेंड इज 12, विच इज द नंबर इज टू बी डिवाइडेड, नंबर 3 इज डिविजर, द नंबर दैट डिवाइड्स, जो डिवाइड्स करता है, और जो आंसर आया उसको बोलते हैं क्वेश्चन, और जो नीचे जो हमारे पास नंबर लेफ्ट है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। अब इसका जो वेरिफिकेशन करना है कि हमारा जो आंसर आया है वो राइट है कि रॉन्ग है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको फॉर्मेट अपर स्टैंडर्ड में भी काम आएगी। सो फॉर्मेट क्या है, डिविडेंड, द नंबर विच इज टू बी डिवाइडिंग, जो नंबर क्या हो रहा है, डिवाइडेड हो रहा है वो डिविडेंड, इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, जो नीचे बचा है उसको क्या करना है, प्लस। So it will gives what, dividend. Suppose for an example here is division is 3, quotient is 4 and remainder is 0. So 3 fours are 12 and 12 plus 0 is 0. So your dividend is 12. आ गया यहाँ पे 12. So ये क्या है, verification के लिए कि हमारा dividend right आ रहा है कि नहीं. Okay? Let's see some example of group making. Okay, so here you can see that there are many balls, but अब ये balls को क्या करना है, group बनाना है, जैसे हमने video में देखा था। So सबसे पहले question क्या है, blank balls, वहाँ पर हमने क्या देखा था, balloons, अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, balls, तो total balls कितने हैं, so 1, 2, 3, 4, 4, और इधर कितने हैं, ये 4, it means 16. अभी आगे क्या बोला हुआ है, डैश ग्रुप्स, तो 16 बलून्स है बट ग्रुप कितने हैं, सो ये फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और ये फोर्थ ग्रुप है, ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, हो गया ये ग्रुप। सो हमने इधर लिख दिया 4 ग्रुप, डैश बॉल इन ईच ग्रुप, तो वहाँ पे क्या था कि कितने बलून्स है ग्रुप के अंदर, तो वहाँ पे कितने थे, 3 बलून्स थे, यहाँ पे कितने हैं एक ग्रुप में, 4, 1, 2, 3, 4, ये पूरा क्या है, एक ग्रुप है। जो 16 बलून्स है उसको हमने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, किस में डिवाइड किया है, तो 4 ग्रुप्स में, और हर एक ग्रुप्स को कितने मिले हैं, तो 4 बलून्स, सो 4 बलून्स इन ईच ग्रुप, और ईच का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, 1, 4 बलून्स, 4 बॉल्स इन 1 ग्रुप। सेकेंड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है पेन, अगेन हम क्या करेंगे, डैश पेन्स, कितनी पेन्स है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, ऐसे कितने हैं, ये 12, लिख दिए यहाँ पे 12 पेन्स, डैश ग्रुप्स, तो कितने ग्रुप्स हैं, 1, 2 और इधर 3, बना दिया ये ग्रुप हमने, कितने ग्रुप बन गए, 3, सो वी विल राइट हियर 3 ग्रुप्स। नाउ डैश पेन्स इन ईच ग्रुप, एक ग्रुप में कितने पेन हैं, सो 1,
टू थ्री फोर. सो फोर पेन्स इन ईच ग्रुप. हो गया ये डिवाइड. कैसे डिवाइड किया है? तो टोटल पेन 12 थी, उसको हमने 3-3 का ग्रुप्स बनाया है और हर एक ग्रुप में कितने पेन आई है हमारे पास? टोटल 4. तो ये सब क्या है? डिवाइड का मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं एंड देन वी डू सबमिशन और सप्रैक्शन. ओके, नाउ लेट सम सी डिवाइड सम. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 14 डिवाइडेड बाई 7. सो अभी हमने वीडियो में कॉन्सेप्ट देखा है, तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये डिवाइड को ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है, उसके बाद में क्या करना है, आपको नंबर रखना है. सो दिस इज डिविडेंड. ये क्या था? डिविडेंड है, और डिविडेंड हमने कहाँ देखा था? रखा हुआ अंदर 14. नाउ दिस 7 इज डिविजन. सो 7 कहाँ पे आएगा? बाहर. हो गया ये 14 को 7 से क्या करना है? डिवाइड करना है. नाउ अब इसको डिवाइड करते कैसे है? सो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर जो आपने मल्टीप्लिकेशन में टेबल सीखा था उसके बेस पे डिवाइड होगा. कैसे टेबल लिखते हैं? 7 1 7, 7 2 14. आ गया ये 14, 7 के टेबल में 14 आ गया ये. बट कितनी टाइम्स आया है? सो 2 टाइम्स आया है. इसमें आपको क्या देखना है, कितनी टाइम्स वो नंबर आ रहा है वो लिखना है. सो 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स. सो विल यू राइट हियर 2 7 2 14. क्या था इधर आंसर? 14. सो 4 1. अब क्या करना है, इनको सबट्रैक्शन डिविजन में करते क्या है? माइनस. सो तो क्या करेंगे हम इसको? माइनस 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0. सो योर क्वेश्चन, इट मीन्स योर आंसर इज 2. और इसमें हमने देखा था, इसको हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोलते हैं. और जो नीचे बच जाएगा वो क्या है हमारा? रिमाइंडर. ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, 21 डिवाइडेड बाई 3. तो इसमें डिविडेंड क्या है? 21, और क्वेश्चन क्या है? नंबर 3. तो लिखते हैं उसको, 21 विल बी गो इनसाइड एंड 3 विल बी रिटन आउटसाइड. लिख दिया. अगेन टेबल लिखते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21. आ गया 21. 3 के टेबल में 21 आ गया, पर कितनी जा आया है? 3 के टेबल में 21 कितनी जा आया? 7 जा. सो व्हाट यू विल राइट? 3 7 21. आ गया ये. नाउ व्हाट वी विल डू? माइनस 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0. सो योर क्वेश्चन इज 7 एंड रिमाइंडर इज 0. तो आंसर क्या आएगा इधर आपका? 7. जो ऊपर जो आता है वो क्या आएगा आपका? आंसर होगा. लास्ट वन, 25 डिवाइडेड बाई 5. तो लिखते हैं, जो बड़ा नंबर है वो कहाँ जाएगा? अंदर. और ये जो सेकंड नंबर है वो कहाँ जाएगा? बाहर. हो गया ये 5 डिवाइडेड बाई 25. अगेन टेबल लिखते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, एंड 5 5 25. आ गया ये 25, बट कितनी जा आया 25? 5 जा. 5 5 25. सो व्हाट वी विल राइट? 5 25. सो योर क्वेश्चन इज 5 एंड रिमाइंडर इज 0. तो इधर आंसर क्या होगा हमारा? 5. ये डिवाइड इजी है. क्यों इजी है? क्योंकि ये पर्टिकुलरली नंबर जो है उनके टेबल में जा रहे हैं. ये डायरेक्ट कैसे नंबर है? 3 को मैंने 21 से कैसे इजीली डिवाइड कर दिया? क्योंकि मुझे पता है कि 3 के टेबल में 21 आता है. कितनी जा आता है? 7 जा. और इसके लिए आपको जो टेबल है वो बहुत अच्छी तरह से लर्न करनी पड़ेगी, ताकि आपको डिवाइड में प्रॉब्लम ना आवे. ओके, तो करना क्या है आपको, इसमें डिवाइड करना है. बट ये नंबर कैसे है? इजी है, डायरेक्ट टेबल वाले. सम मोर एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड, एंड नंबर इज 28 डिवाइड्स बाय 2. अब हमको तो टेबल कहाँ तक सीखी है हमने? 2 10 20 तक. बट ये नंबर कैसे है? मोर देन
10 टाइम्स है, तो इसमें हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट ग्रेटर नंबर इनसाइड, इट मींस जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है? डिविडेंड, तो वो हम क्या लिखेंगे? अंदर. और जो सेकेंड नंबर है वो क्या होता है? डिविजर, सो वी विल राइट आउटसाइड. लिख दिया. अब ये जो नंबर है वो कैसे है? बड़े नंबर है, सो इसलिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट डिजिट नंबर लेंगे, ओनली फॉर टू. तो इन दोनों में फर्स्ट डिजिट कौन सा नंबर है? टू. अब आपको ये पता है ना टू के टेबल में टू कब आता है? टू वन जा टू. सो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ टू को ही देखेंगे, सिर्फ टू को डिवाइड करेंगे. सो टू वन जा माइनस टू. क्यों मैंने टू के नीचे लिखा है? अभी तक हमने एट को टच किया नहीं है, अभी सिर्फ हम टू, अभी हमने सिर्फ किसको डिवाइड किया है? सिर्फ फर्स्ट डिजिट को ही. सो टू माइनस टू ज़ीरो हो गया ये. अब क्या बचा हमारे पास? ज़ीरो. अब क्या करेंगे? अभी हम नेक्स्ट नंबर को नीचे लेके आएंगे. सो इससे नंबर क्या बन गया? ज़ीरो एट. इट मीन्स एट हुआ. अब टू के टेबल में एट कब आता है? फोर ज़ा. सो टू फोर ज़ा एट. अगेन एट माइनस एट ज़ीरो. आ गया इधर आंसर ज़ीरो हमारा. कोई नंबर भी बचा है यहाँ पे? नहीं, दोनों डिजिट ले लिए और रिमाइंडर भी क्या आ गया हमारे पास? ज़ीरो. सो योर क्वेश्चन इज 14 एंड आंसर इज हियर 28 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 14. नेक्स्ट वन 36 डिवाइडेड बाई 3. अगेन फर्स्ट डिजिट नंबर डिविडेंड एंड सेकेंड इज डिवाइजर. अगेन 36 तो क्या है? बड़ा नंबर है, तो क्या करेंगे? वन वन डिजिट लेंगे. सो सबसे पहले कौन सा डिजिट आया हमारे पास? थ्री. सो थ्री के में थ्री कब आता है? वन ज़ा. वन ज़ा थ्री. सो थ्री माइनस थ्री ज़ीरो. हो गया ये ज़ीरो. अब क्या करेंगे? अभी हमारे पास सेकेंड नंबर है, तो उस सेकेंड नंबर को नीचे लेके आएंगे, ऐसे एरो करके नीचे लेके आएंगे. आ गए नीचे. सो अब हमारा नंबर क्या बन गया है? ये 06. इट मीन सिक्स हो गया. अब थ्री के टेबल में सिक्स कब आता है? सो टू ज़ा सिक्स. सिक्स माइनस सिक्स ज़ीरो. अब कोई हमारे पास नंबर बचा है यहाँ पे? थर्ड नंबर नहीं. सो योर आंसर इज, रिमाइंडर इज ज़ीरो एंड योर आंसर इज 12. लास्ट वन 84 डिवाइडेड बाई 7. अगेन वैसे ही करेंगे 84 और 7. ये नंबर क्या है? बड़ा, तो एक एक डिजिट लेंगे. 7 के टेबल में अब यहाँ पे 8. 8 तो आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे? 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14 है यहाँ पे. तो इससे 8 से छोटा नंबर आता है कोई? कौन सा नंबर आता है? 7. तो हम उसका टाइम्स लिखेंगे. कितने टाइम्स आ रहा है? वन टाइम. सो 7 वन ज़ा कितना है? 7 वन ज़ा 7. ये देखिए यहाँ पे मैंने जो नंबर थे वो नंबर और ये नंबर डिफरेंट है. यहाँ पे नंबर क्या है? 8. 7 के टेबल में 8 नहीं आता, बट क्या आता है? 8 से छोटा नंबर आता है. क्या नंबर है छोटा? 7 नंबर है. सो 7 नंबर कितनी ज़ा आता है? वन ज़ा 7 वन ज़ा 7. अगेन हमको करना क्या है? माइनस 8 माइनस 7 1. अब यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास? 1. अब 7 के टेबल में 1 आता है? नहीं. उसे कोई छोटा नंबर आता है? नहीं आता. तो अब क्या करेंगे? हम सेकंड नंबर को नीचे लेके आएंगे. अब सेकंड नंबर को जब हमने नीचे लेके आया तो नंबर क्या हो गया? 1 से 14. क्या नंबर हो गया है? 14. और 7 के टेबल में 14 कब आता है? 2 ज़ा. सो 7 2 ज़ा 14. 4 माइनस 4 ज़ीरो. 1 माइनस 1 ज़ीरो. सो योर रिमाइंडर इज 0 एंड योर क्वेश्चन इज 12. So 84 divided by 7 is equal to 12. Okay?